भारत के हिमालयन क्षेत्रों में कूड़े का सही तरीके से निस्तांतरण करने के लिए इकली संस्था द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों जहां घनी आबादी है और पर्यटकों का समय समय पर जमबाड़ा बढ़ता है, जिसके कारण कूड़ा करकट भी अधिक मात्रा में निकलता है। इस कूड़े को पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से विकसित तरीके से संयंत्रित किया जा सकता है, इसके लिए डाटा तैयार किया जा रहा है। भारत के हिमालयन क्षेत्रों में कूड़े का सही तरीके से निस्तांतरण करने के लिए इकली संस्था द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों जहां घनी आबादी है और पर्यटकों का समय समय पर जमबाड़ा बढ़ता है, जिसके कारण कूड़ा करकट भी अधिक मात्रा में निकलता है। इस कूड़े को पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से विकसित तरीके से संयंत्रित किया जा सकता है, इसके लिए डाटा तैयार किया जा रहा है। इस डाटा के अध्ययन के बाद सही तरीके से पता चल पाएगा कि इन क्षेत्रों में कूड़े को सही तरीके से कैसे निस्तांतरित किया जा सकता है। गौरतलब रहे कि इकली पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। कूड़े के स्थायी प्रबंधन के लिए ये संस्था 100 देशों में 1750 स्थानीय सरकारों के साथ वैश्विक स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में आज धर्मशाला में कोरिया से आए हुए विशेषज्ञों ने DFO वन विभाग प्रदूषण बोर्ड के अधिशासी अभियंता, धर्मशाला नगर निगम के अधिशासी अभियंता, ग्रामीण विकास प्राधिकरण कांगड़ा के निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बारे में दक्षिण एशिया सस्टेनेबिलिटी की सहायक प्रबंधक गीता शंदल ने बताया कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, जिसका नाम डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर द माउंटेन रीजन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे क्षेत्रों की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने में चुनौतियां आती हैं। समल का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में कूड़े का निस्तांतरण अलग अलग तरह का है। पहाड़ी क्षेत्रों में तंग रास्ते होने की वजह से कूड़ा उठाने वाले वाहन कूड़ा दान तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कूड़े का सही निस्तांतरण नहीं हो पाता है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों कुल्लू, मनाली, शिमला और धर्मशाला पहाड़ी क्षेत्रों जहां संस्था में माध्यम से काम किया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि जो चुनौतियां पहाड़ी क्षेत्रों में है उनका समाधान कैसे किया जाए। उन्होंने कहा, स्थानीय जनसंख्या के साथ साथ हर साल आने वाले पर्यटकों का डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, ताकि स्थायी पर्यटन के साथ साथ कूड़े का भी सही तरीके से निस्तांतरण किया जा सके। जी देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है एक प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहा है, जिसका नाम है सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर द माउंटेनियस एरियाज। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये एक लाइफ जो एक संस्था है, एज अ लोकल पार्टनर हेल्प करेगी कोरियन इन्वायरमेंटल कॉरपोरेशन को, केई को जिसको हम बोलते हैं, और एक कंसल्टेंट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियोल से। तो हम सब लोग मिलके वर्ल्ड बैंक के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये जो प्रोजेक्ट है तीन जगहों में करेंगे। एक तो है हमारा इंडिया में, जहाँ हिमाचल प्रदेश है, फिर नेपाल और पाकिस्तान, तो तीन रीजन है और सारे हिमालयन रीजन ही हैं। तो इन सब में हमें पहले ये पता करना है कि यहाँ पे जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं सॉलिड वेस्ट के लिए, क्योंकि एक प्लेन एरिया के लिए और एक माउंटेन एरिया के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब हमें यहाँ पे चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, गाड़ी जाती है कि नहीं, गाड़ी में कितना लोड एक बार में आ सकता है, कितने लोग हमने लगाए हैं, कितने डस्टबिन हैं, उन डस्टबिन का कलेक्शन हम कैसे करेंगे अगर आपके रोड ही छोटे हैं तो, माउंटेन एरिया में बड़ी बड़ी सड़कें तो बना नहीं सकते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी माउंटेनियस एरिया की जो गवर्नमेंट है वो फेस करती है। तो हमें पहले ये चैलेंजेस लिस्ट डाउन करने हैं, फिर देखना है कि अभी जो प्रेजेंट रेजिडेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है, और उसके ऊपर जब टूरिज्म का इन्फ्लो होता है, जो सीज़न आते हैं, उस टाइम कितना प्रेशर पड़ता है। तो ये सब हमारे को डेटा लेना है, एनालिसिस करना है, और उसके बाद हम जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आगे जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं उनको प्रपोज कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको कुछ मतलब बताएंगे कि आपको यही करना है, वो एक ऐसा आइडिया होगा कि आप ये सब कर सकते हैं एज अ सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, एज अ सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और ये दोनों चीज़ें बहुत लिंक हैं, क्योंकि हम सब लोग को फ़ायदा होता है टूरिज्म से, लेकिन जब बात आती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तो सब हाथ पीछे कर लेते हैं। तो कैसे हम एक कोलैबोरेटिव वे में ये काम कर सकते हैं, कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेज जो है सस्टेनेबल वे में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इनका डंपिंग साइट जो भी बिल्कुल ही बंद है, बहुत सारा सिटीज अगर मोस्टली हिमालयन सिटीज़ में, जैसे हमने मनाली में देखा, हमने कुल्लू में देखा, तो बहुत मुश्किल है कि उनको सॉलिड वेस्ट का साइट ढूंढना, क्योंकि माउंटेनस एरिया है, ऊपर से रिवर बेड भी आ जाता है, फिर फॉरेस्ट एरिया आ जाता है, तो कहाँ करेंगे, कैसे वो मैनेज करेंगे। तो वो सब जो स्टेप्स हैं कि कैसे सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेज को शुरू करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, अब अगर हम स्टेप वाइज करेंगे देन ओनली वी विल बी एबल टू मैनेज इट। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग सॉलिड वेस्ट को एकदम से एक जगह से उठा के कहीं पटक दें और फिर कहें कि हमारे को एक मशीन दे दो जो सारा काम कर ले, दैट इज डिफिकल्ट। सो वी नीड टू फॉलो अ प्रोसेस
a methodology and then only we can come up with a plan or action plan. आपका नाम? मेरा नाम गीता संधल है, मैं इकली साउथ एशिया में काम करती हूँ एज अ डेप्यूटी मैनेजर सस्टेनेबिलिटी ब्रांच में. थैंक यू.